सामिफ होता है समराइजेशन के लिए कि हम डेटा को समराइज कर सके। जैसे कि हमार करे मान यहाँ पे पुणे है, सिटी ले लीजिए पुणे। अभी सिटी में पुणे कई बार रिपीटेड है, तो एक सम का फॉर्मूला होता है जो कि एक कॉलन का ओवरऑल सम करता है। बट सम इफ क्या करता है कि इसमें से एक क्राइटेरिया जैसे पुणे का सम करना है, तो सम विद कंडीशन, तो मुझे पता करना है कि पुणे की टोटल क्वांटिटी कितनी है इस चीज के लिए, या फिर पुणे ही नहीं मैं पूरे सिटी की चाहिए। तो हम सिटी का लिस्ट यहाँ निकाल लेते हैं एक बार, और हम यहाँ डेटा मेनू बार में हमारे पास होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये क्या करेगा कि कॉलन के जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा, सिंगल रखेगा। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्वांटिटी को चाहिए, इसमें जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को मुझे चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सम इफ इक्वल सम इफ। सम इफ में तीन चीजें हैं, पहला रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। रेंज मतलब कि किसमें मैचिंग करना है, तो मैंने बोला कि कंडीशन जो लगानी है वो बी कॉलम में लगानी है, तो हमने बी कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया हमें दिया पुणे की, हमें पुणे पुणे करनी है तो हमने पुणे की क्राइटेरिया दे दी। उसके बाद आता है सम रेंज कि सम किसका करना है, तो सम रेंज हमने दे दिया। तो तीन चीजें हैं, पहला है सम रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया और तीसरा है हमारा, तो पहला है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है पुनीत जी, काट पर ठीक जी, समझ में आया आपको, ये जी चीज हो गई। लेकिन ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आई थिंक मुझे पता, मुझे जहां तक तो जानता हूं कि ये चीज आपको आती है, राइट? अब बात करते हैं कंडीशंस की। मान लीजिए मुझे ये निकालना है कि हुआ क्या, जो 60 से ऊपर जो क्वांटिटी है उसमें हमें पर 10 रुपए की कमीशन देना है, तो बॉस ने बोला कि बताओ टोटल कमीशन कितना हो रहा है। हम यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि जितने भी क्वांटिटी जो कि 60 से ऊपर है उसका सम आ जाए, ताकि उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करके आइडिया लगा सके कि कितनी इसकी क्वांटिटी है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन 60 हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे और हम सम इफ लगाएंगे, सम इफ रेंज एंड क्राइटेरिया। इसमें सम रेंज नहीं देना है, क्यों? कि आप देखेंगे जब आप सम रेंज देखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट में, तो बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब क्या है, बड़ी ब्रैकेट में है इसका मतलब है कि वो ऑप्शनल, ऑप्शनल इन द सेंस कि वो मतलब कि जरूरत नहीं है, मैं उसको डालना कंपल्सरी नहीं है। मतलब जब आपका क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया सम रेंज दोनों एक ही हो तो सम रेंज डालने की जरूरत नहीं। तो यहां पे रिजल्ट आ गया, लेकिन एक चीज हमें इसी के अंदर डालना है, मतलब ग्रेटर देन 60 हम यहां में डालना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और हमने रेंज को सिलेक्ट किया और इसमें हम ग्रेटर देन 60 इस फॉर्मेट में लिख देंगे और इस तरीके, सॉरी माफ कीजिए, सम इफ्स हो गया, मुझे सम इफ इक्वल टू ना सम इफ ही करना है। लेकिन मान लीजिए मैंने 60 यहां लिखा हुआ है तो उस केस में हम जी जी सम, हम बोलिए जी जो 9659 आया, ये क्या है एग्जैक्टली, किसका सम है ये 9659? ये जो सम है, ये सम है इसके अंदर जो ग्रेटर देन 60 है ना उसका, मतलब इसने क्या किया, इसमें से फिल्टर लगाएगा
और फिल्टर में डाल के डालेगा ग्रेटर देन 60 और फिर इसका सम करेगा, ओके समझ गए? ठीक है जी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मुझे 60 इस पे लिखना है, सॉरी 60 जो है यहां। एक तो हुआ कि आप इस तरह से फॉर्मेट में लिख दें, दूसरा है कि आप फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टर को वहां में लिख दें, तीसरा कि आपके पास सिर्फ नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 60 आपको सम करना है। तो उस केस में हम यहाँ पे सम इफ इसको सिलेक्ट ये करते एस कर हैं, दिया आपने तो। उसके बाद हमने क्राइटेरिया लिया और हम इस पे ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, फिर इसको हम कंपाइल करेंगे 60 से, फिर एंटर मारेंगे, ठीक है? कोई डाउट सर इसमें? नहीं मतलब बेसिकली ये कंडीशनल है, सम नॉर्मल सम में नहीं होता, इसमें आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं और सम कर सकते हैं। मतलब कि इस पे आप ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ये डाल सकते हैं। ये नॉट इक्वल टू क्यों है समझ में आया आपको? जी आपको आया संजय भगत जी? हाँ, मतलब अगर कि वो कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू लेना है तो वहां यूज होगा ना ये। अच्छा हाँ, तो नॉट इक्वल टू सिस्टम में नहीं है, हमने बनाया है इसको, जी हाँ मतलब नहीं समझे? नॉट इक्वल का मतलब कि मान लीजिए हमने इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन हम यूज कर सकते हैं, तो एक होता है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, मतलब कि मैंने बोला 25 से बड़ा और 25 से छोटा, 25 से बड़ा और 25 से छोटा, तो नॉट इक्वल की तो लगाएगा, नॉट इक्वल टू 25 तो होगा, समझ गए? चलिए, उसके बाद बात करते हैं कंटेन। अब जैसे कि मुझे यहां देखिए कि दिल्ली भी है और न्यू दिल्ली भी है, देख रहे आप? अब देखिए हम अगर न्यू दिल्ली सर्च करते हैं तो क्या आता है, लेकिन दिल्ली सर्च करते 35 आता है। तो अगर अगर बात ये हो गई कि जब दिल्ली करेंगे तो न्यू दिल्ली का नहीं आएगा, न्यू दिल्ली करेंगे तो दिल्ली का नहीं आएगा। जैसे वी लुकअप में हमने किया था उसी तरीके से यहां हम स्टार के साथ दिल्ली लिखे तो ये कंटेन हो जाएगा, मतलब कि दिल्ली हो या न्यू दिल्ली हो कर लेगा, दिल्ली होना चाहिए, मतलब ये जो वर्ड है वो वर्ड होना चाहिए। तो समिफ रेंज क्राइटेरिया एंड समरी, ठीक है? तो स्टार दिल्ली करेंगे ये हो जाएगा एम विथ, और दिल्ली और स्टार करेंगे ये हो जाएगा स्टार विथ, और दोनों तब तो लिखेंगे तो हो जाएगा कंटेन, ठीक है? नहीं, मेरे को ये बताइए, ये जो फर्स्ट वाला है जिसमें कंटेन है, उसमें तो ये है कि चाहे वो डेली हो, न्यू डेली हो, कुछ भी हो, डेली आना चाहिए उसके अंदर, उससे दिल्ली का पकड़ेगा वो। पोजीशन कहीं भी हो सेल लेकिन करना, मतलब कि दिल्ली रोड न्यू दिल्ली, मतलब कि दिल्ली कहीं भी होगा, बीच में स्टार्टिंग में आगे बीच कहीं भी, और जो सेकंड है उसमें डेली एंड में है और उसमें दिल्ली फर्स्ट में है, एंड में थर्ड होना ना। चाहिए तभी वो करेगा लुकअप करेगा, ठीक मतलब है सम करेगा, दिल्ली स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हुआ क्या था कि हमारे पास एक डेटा आया था जिसमें मेल फीमेल नहीं था लेकिन मिस्टर और मिसेज लगा हुआ था नाम में, तो बॉस ने बोला यार फीमेल और मेल का कैसे निकलेगा, तो मेल फीमेल के जेंडर तो मिसेज नहीं है, तो हमने यहाँ लगा दिया कि स्टार्ट विथ, नीचे वाला लगा दिया स्टार्ट विथ मिस्टर, मतलब कि मेल क्या,
नाम, अगर उसका नाम स्टार्ट में था, हुआ क्या था कि मेरे पास एक बार डेटा आया था, उसमें जेंडर नहीं था, लेकिन नाम के आगे मिस्टर या मिसेज लगा था टाइटल में, जैसे मिस्टर पति, मिस्टर संजय, ऐसे लिखा हुआ ठीक है था। लड़की है, लेडीज के लिए मिसेज लगा था, तो उसमें बॉस ने बोला कि यार मेल फीमेल को अलग अलग मुझे समराइज करना है, तो मैं मेल कितने कस्टमर है, फीमेल कितने कस्टमर है, तो उसके लिए हमने यही मेथड इस्तेमाल किया था। उसके बाद आता है कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा चार लेटर है, चार डिजिट है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क करोगे और आप समीर बना सकते। ठीक है, रेंज, क्राइटेरिया एंड समरी, राइट। तो इसमें चार चार लेटर के जितने भी नाम है उसका सब कर, ठीक ठीक है है। अब बात आती है कि मोर देन वन कंडीशंस, जैसे मैं चाहता हूं कि रवि का जयपुर में क्या सेल, रवि का जयपुर में क्या सेल है, तो उसके लिए भी हम यहां पे सम इफ्स लगाएंगे। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स, और इसका लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, सम रेंज किसको सम करना है, तो क्वांटिटी को, क्राइटेरिया पहली क्राइटेरिया कौन है, तो ए है, क्राइटेरिया क्या हुआ तो रवि, दूसरी क्राइटेरिया हमारा सिटी है, पर हमने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लिया। ऐसे तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं मोर एंड मोर क्राइटेरिया यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ये पता करना है कि रवि का ही कि 80 to 60 के बीच में कितना है, 60 to 80 के बीच में, तो बिटवीन आपको लेना है, तो बिटवीन में आप यहां पे करेंगे सम इफ्स। सम इफ्स मैंने यहां पे सम इफ्स का ले लिया, और हमने क्राइटेरिया वन पहले नेम लिया, फिर नेम यहां सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने वापस क्वांटिटी को लिया और इसमें बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब जो ऊपर जो आपने सम इफ में जितने भी कंडीशंस लगाए हैं ना, वो सारे सम इफ्स पे लगा सकते हैं। ठीक किया क्राइटेरिया यहाँ पे कि लेस देन इक्वल टू 60 तो 80, तो रिजल्ट आपके सामने है, समझ गए। ऐसे अगर डेट के ऊपर है जी कि मुझे अगर मान लीजिए कि जनवरी का डेट चाहिए, तो मतलब एक जैन 2015 और ईओ मंथ लगा लीजिए तो एन डेट आ जाएगा, या फिर लिख लीजिए और फिर हम यहां पे लगाएंगे सम इफ्स रेंज, सम रेंज क्राइटेरिया और वन रेंज में डेट है, लेकिन तो एक जान है, लेकिन मुझे यहां पे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं कंबाइन कर लूंगा जो कि ऊपर हमने यहां 60 पे किया था उसी मेथड से, 1 जनवरी से बड़ा, और फिर वापस इसको हमने सेलेक्ट किया और बोला कि 31 जनवरी से छोटा, सस्ता में एप्स होना चाहिए ना, एप्स, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब इसी में आप एवरेज, जैसे कि सामने से लगाया ऐसे ही हमारा एवरेज ही था, सेम टू सेम, ठीक है, वो एवरेज देता है कि मान लीजिए मुझे इसमें पुणे का एवरेज चाहिए, ये पुणे का एवरेज दे, और एवरेज इफ में भी वो सारे कंडीशन लगा सकते जो आपने सम इफ में लगाए, और आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, सेम सम इफ की तरह, सम इफ्स की तरह, ठीक है, कि एवरेज रेंज, सम रेंज, क्राइटेरिया वन रेंज, हमने क्राइटेरिया वन डाल दिया एंड क्राइटेरिया टू रेंज,
और हमने यहाँ पे क्राइटेरिया टू डाल दिया। उसी तरह से हमारे पास काउंट इफ है, तो काउंट इफ क्या करता है, काउंट करता है, काउंट इफ कि मुझे सिटी में काउंट करना है पुणे कितना बार, और काउंट इफ में भी सारे कंडीशन दे सकते हैं जो कि आपने सम इफ और एवरेज इफ में दिया है, और मोर देन एक कंडीशन भी आपने करना है तो सेम काउंट इफ्स होगा। तो सम इफ, एवरेज इफ और काउंट इफ ये सारे दोनों आपस में पूरक है, एक जैसे है, ठीक है। तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया जी? प्रतीक जी आपको आया? जी ओके। अब इन इन तीनों फॉर्मूला के रेफरेंस पे आपको काम क्या करना है, सभी प्रोजेक्ट का फाइल में लास्ट टाइम भेजा था उसी फाइल के कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे इस डेटा पर से चाहिए कि पर्टिकुलर नेम यहां मैं डालूं और उसकी जो मंथ है, मंथ वाइज उसकी क्वांटिटी और एमआरपी का टोटल आ जाए। उसकी मैं यहाँ पे क्वार्टर डालूं तो क्वार्टर क्वार्टर के फेडरेशन के अकॉर्डिंग मुझे उसकी सिटी वाइज एमआरपी आ जाए। मैं यहाँ ईयर डालूं तो उसके क्वार्टर एंड सिटी वाइज आ जाए उसकी क्वांटिटी का सम, और मैं यहाँ पे मंथ डालूं तो उसके वीक वाइज मुझे यहाँ पे टोटल आ जाए। ये फाइल मैं दोबारा से भेज दूं? जी हाँ जी, मेरे है मेरे पास, क्योंकि लास्ट टाइम आपने भेजी। ऐसे मैं भेज देता हूँ दोबारा से, क्योंकि आपको खोजना पड़ेगा ना। तो आप जो है इसको बनाइए और मुझे भेजिए अभी, और इसकी वीडियो में तत्काल YouTube पे डाल देता हूँ, मिल जाएगा।